स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अभी तक आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य रहे होंगे, लेकिन अब आप परिवार के सदस्य हैं। आपको पहली बार महसूस होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरह काम करती है। हम सबके बीच में हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री सम्मानित नरोत्तम मिश्रा जी हैं। आप यहाँ अभी इस कार्यक्रम में देख रहे होंगे खड़े होकर के, तो इतने वरिष्ठ नेता है हमारे, फिर भी वो कैसे मेरे से छोटे कार्यकर्ता को आगे बढ़ा करके और आप सबके स्वागत करने का अवसर दे रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता को इस तरह से आगे बढ़ाती है। वास्तव में यह आप किसी और राजनीतिक दल में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक दल होते हैं, केवल वो राजनीति के लिए काम करते हैं। वो कभी व्यक्ति निर्माण के लिए, व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ता बनाने के लिए काम नहीं करते। इसलिए वहां फॉलोअर लगते हैं, जो उनको फॉलो करेगा, उनके पीछे चलेगा, वो उनके साथ होगा। लेकिन यहाँ कार्यकर्ता बनाते हैं, एक एक कार्यकर्ता को गढ़ते हैं और उसके सुख और दुख में साथ में खड़े होते हैं। तो यह जो अंतर है, यह अंतर आप महसूस भी करेंगे और मुझे लगता है इस अंतर के साथ में आप जो काम करेंगे और ये जो कार्यकर्ता आज इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है, कई बार मुझे लगता है कोई बड़ा व्यक्ति ज्वाइन करता हुआ अलग हिस्सा होता है, लेकिन छोटा छोटा कार्यकर्ता जिसको कहते छोटे हैं लेकिन वास्तव में कोई जड़ की तरह है, कोई पंच ज्वाइन कर रहे हैं, कोई बेसा समिति के सदस्य हैं, कोई अपने गांव का मुखिया है, ये सब जब ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब इस विचारधारा को, इस विचार को नीचे तक प्रत्येक व्यक्ति तक उसने स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया है। नरेंद्र पटेल जी के पिताजी दो बार विधायक रहे और दादाजी, और इंदिरा गांधी का मंदिर बनवाया था। हाँ, मंदिर माने आप विचार देखिए कितना विचार, कौन से व्यक्ति थे, कैसे विचार को छोड़ कर आया। वह अभी सिटिंग विधायक कांग्रेस के हैं, उसके बाद कांग्रेस में भगदड़ क्या रहा, ये आपका ध्यान आकर्षित इस बोर्ड चल रहा था। बहुत मेरे मित्र हैं, बड़े व्यक्ति हैं, बड़े नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, वो जो निर्णय लेंगे सोच समझ के लेंगे। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह पटेल पूर्व लोकसभा खंडवा बुरहानपुर का अध्यक्ष रहा हूँ और वर्तमान में सरपंच संघ का उपाध्यक्ष भी हूँ और पटेल संघ का अध्यक्ष भी। वजह तो बहुत सारी, क्या बताएं आपको, जो संगठन में काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, आप संगठन बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है, गति से बिल्कुल विचारहीन हो चुका है। जिस विचार पे कांग्रेस पार्टी पहले काम करती थी वो विचार बचा नहीं है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रही है, प्रदेश हित में काम कर रही है, उसको लेकर हम लोगों ने ज्वाइनिंग की। हम लोगों ने अभी 40 से 50 लोगों ने काम किया है, ज्वाइनिंग की है, जिसमें हमारे वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष प्रतीक सिंह ठाकुर भी हैं, हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष लखन सिंह मंडलोई भी हैं, हमारे जिला के महासचिव और उपाध्यक्ष हमारे पुष्पेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं, वन समिति के अध्यक्ष भी हैं, पैसा एक्ट समिति के अध्यक्ष भी हैं, बहुत छोटे छोटे संगठन के लोगों ने ज्वाइनिंग की है। और आने वाले समय में 10 से 15 दिन के अंदर हम 1000 से 1500 लोगों की ज्वाइनिंग करेंगे। मंदिर का निर्माण हम लोगों ने पूर्वजों ने किया था, लेकिन वर्तमान में जिस हिसाब से काम चल रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं धूल की खाने की स्थिति में बन चुका है, क्योंकि वो विचार ही नहीं मिल पा रहे हैं, ना काम कर पा रही है कांग्रेस। लेकिन हम आने वाले समय में ये सोच रहे हैं कि जो क्षेत्र के लोगों से मिलके और भारतीय जनता पार्टी की जो दिशा है विकास के लिए काम कर रहे हैं, हम उसके विकास पे पथ पे चलेंगे ना। मूर्ति चेंज करने वाले वो जाने, कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, अभी तो हम वर्तमान में बीजेपी ज्वाइन किए और बीजेपी विचार की हम बात कर रहे हैं, विचार में काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में हमारा क्षेत्र पूरा ट्राइबल का होता है, जहाँ पे ये मान के चले खंडवा लोकसभा में एक विधानसभा विकनगांव होती है, विकनगांव विधानसभा में दो ब्लॉक है, जिर्निया ब्लॉक पूरा ट्राइबल का ब्लॉक है, और उस ट्राइबल ब्लॉक में कम से कम 15,000 की लीड कांग्रेस हमेशा लेती है, और वर्तमान में 3 बार से विधायक वहाँ पर वर्तमान में विधायक कांग्रेस की है। लेकिन हम जिस हिसाब से काम के संगठन के लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।